Hello everyone, today we are going to start bookwork of lesson 6 noun possession. Beta bookwork ka part A hai, rewrite the underlined expression using apostrophe s or only apostrophe. Beta part A mein sentence diye gaye unme kuch expression ko underline kiya hua hai, unme aapko apostrophe s ya only apostrophe ka use karke sentence ko rewrite karna hai. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल बाय ए सीडी ऑफ द सॉन्ग्स सन बाय सुनिधि. अंडरलाइन क्या हुआ है, द सॉन्ग सन बाय सुनिधि. जो अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है. आई विल बाय, मैं खरीदूंगा ए सी डी द सॉन्ग सन बाय सुनिधि, सुनिधि के द्वारा गाए हुए गीतों की एक सीडी खरीदूंगा. तो बेटा इसमें हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तो क्या, जो उसके द्वारा गाए गए हैं तो क्या होगा, वो सुनिधि के गीत होंगे. तो काके की जहां पोसेशन शो करना है वहां क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस. तो देखिए इसको, आई विल बाय ए सी डी ऑफ, अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करेंगे, जो नाउन है सिंगुलर नाउन सुनिधि अपोस्ट्रोफी एस सॉन्ग्स हो गया. यहाँ इस सेंटेंस में भी इसकी क्या रीजन बन रही है बेटा, कि मैं सुनिधि के गाए हुए गीतों की सीडी खरीदूंगा. और यहाँ भी क्या है कि मैं सुनिधि के गीतों की सीडी खरीदूंगा, लेकिन हमने यहाँ इसमें क्या यूज कर लिया, अपोस्ट्रोफी एस. अपोस्ट्रोफी एस क्या शो करता है, बिलोंगिंग्स या पोसेशन. नेक्स्ट सेंटेंस, द डायरी ऑफ किरण, द डायरी ऑफ किरण, इसमें इसी पार्ट को क्या किया बेटा, अंडरलाइन किया है, इज मैरून इन कलर. बेटा इस पार्ट में आपको क्या यूज करना है, अपोस्ट्रोफी एस. तो डायरी ऑफ किरण, किरण की डायरी, तो हम उसको कैसे राइट कर सकते हैं, किरण अपोस्ट्रोफी एस डायरी, डायरी ऑफ किरण, किरण की डायरी. और यहाँ जब किरण अपोस्ट्रोफी एस डायरी लिखेंगे तो भी क्या बनेगा, किरण की डायरी. यहाँ हम उस चीज को ऑफ से शो कर रहे हैं, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, तो बन गया किरण्स डायरी इज मैरून इन कलर. नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड डोनेट, वी शुड डोनेट, वी शुड डोनेट टू द रिलीफ फंड, रिलीफ फंड ऑफ द पीएम, ऑफ द पीएम, द रिलीफ फंड ऑफ द पीएम, पीएम का रिलीफ फंड. तो हम उसे पीएम फंड भी बोल सकते हैं, पीएम का फंड. तो इसमें हो जाएगा, वी शुड डोनेट टू, वी शुड डोनेट टू पीएम, पीएम रिलीफ फंड. तो जो एब्रीविएशन दी जाती है उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, वहां सीधा क्या लिखेंगे उसके बाद, एस, पोसेशन शो करने के लिए. नेक्स्ट, द क्लास इन विच लीना स्टडीज,
The class in which Lina studies is on the third floor. Underline expression concept of the class in which Lina studies. क्लास जिसमें लीना पढ़ती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, लीना की क्लास. बेटा इसमें हम पहले नाउन को लेके आएंगे, नाउन कौन है, लीना. और लीना की किस चीज के बारे में बात हो रही है, लीना की क्लास. तो लीना अपोस्ट्रोफी एस क्लास. लीनास क्लास इज ऑन द थर्ड फ्लोर. नेक्स्ट सेंटेंस, द इनकम ऑफ एन इंडियन वर्कर. The income of an Indian worker is uncertain. Income of Indian worker. तो इसको क्या बोलते हैं, Indian workers income. वर्कर अपोस्ट्रोफी एस, एन इंडियन वर्कर अपोस्ट्रोफी एस इनकम इज अनसर्टेन. आपको क्या करना है, ओनली अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके उनका बीच में क्या शो करना है, पोसेसर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, सिक्स सेंटेंस, द बाइक ऑफ माई टीचर. द बाइक ऑफ माई टीचर इज वेरी ओल्ड. मेरे टीचर की बाइक, तो इसको क्या बोल सकते हैं, टीचर की बाइक. पहले नाउन को लेंगे, माई टीचर अपोस्ट्रोफी एस बाइक इज वेरी ओल्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, द हॉस्टल फॉर बॉयज. द हॉस्टल फॉर बॉयज, आगे का सेंटेंस एज इज रहेगा. तो बेटा इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें देखिए नाउन क्या है, ये प्लूरल है, तो इस पर्सन का हो जाएगा बॉयज. जब कोई प्लूरल नाउन दी हुई हो तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज ना करके ओनली क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी. बॉयज हॉस्टल, पीछे जो सेंटेंस दिया है वो एज इज. नेक्स्ट, पेंटिंग ऑफ माई सिस्टर. तो बेटा उसमें क्या हो जाएगा, माई सिस्टर अपोस्ट्रोफी एस पेंटिंग. नेक्स्ट में द ऑफिस ऑफ द हेड मिस्ट्रेस. बेटा जिसमें नाउन में लास्ट में एस दिया हो, द ऑफिस ऑफ द हेड मिस्ट्रेस इसमें अपोस्ट्रोफी यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, द हेड मिस्ट्रेस. द हेड मिस्ट्रेस अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि इसमें लास्ट में एस दिए हुए हैं, तो जिस नाउन में एस दिया हो लास्ट में, तो वहां सिर्फ आप क्या यूज करेंगे, ओनली अपोस्ट्रोफी. द हेड मिस्ट्रेस अपोस्ट्रोफी ऑफिस, हेड मिस्ट्रेस का ऑफिस. बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको लेसन सिक्स नाउन पोसेसन का बुक वर्क का पार्ट ए कंप्लीट बुक में फिल करना है और इसे लर्न करना है. थैंक्स.